किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिंदगी की किताब पर नए पन्ने चढ़ाइए, लेकिन उससे पहले बिखरे हुए पन्ने को जरा प्यार से चिपकाइए, जरा प्यार से चिपकाइए। हेलो फ्रेंड्स, यस टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं एंकर अमीषा आज आपके सामने एक लव स्टोरी लेकर आई हूँ। ये लव स्टोरी है ओडिशा में रहने वाले अशोक नाम के एक लड़के की। अशोक ओडिशा में एक छोटे से गांव में रहता था, जहां पर उसकी जाति को अनटचेबल और उसके परिवार को भी अनटचेबल माना जाता था। इसके बीच उसके पापा ने उसे दिल्ली पढ़ने के लिए भेज दिया। वहां पर उसने दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स में एडमिशन लिया। एडमिशन लेने के दौरान वह पोर्ट्रेट बनाने लगा। पोर्ट्रेट बनाता बनाता वह इतना मशहूर हो गया कि वर्ल्ड में उसके पोर्ट्रेट बहुत ही अच्छे पैसों में बिकने लगे। उसके पोर्ट्रेट वर्ल्ड में बहुत मशहूर हो गए। उसके पोर्ट्रेट लंदन में रहने वाली सोफिया भी देखती थी, जो कि सिर्फ और सिर्फ 19 साल की थी। उसे उसके पोर्ट्रेट बहुत ज्यादा पसंद थे। उसने सोचा, क्यों ना मैं इस आर्टिस्ट से मिलने हिंदुस्तान जाऊं। वह स्पेशल उस आर्टिस्ट से मिलने हिंदुस्तान आई। हिंदुस्तान आकर वह उससे बोली कि तुम मेरा एक पोर्ट्रेट बनाओ। अशोक ने पूरे जी जान से वह पोर्ट्रेट बनाया। पोर्ट्रेट बनाने के बाद सोफिया को उससे प्यार हो गया। उसके पोर्ट्रेट को देखते ही वह दंग रह गई और उससे प्यार कर बैठी। धीरे धीरे अशोक को भी उससे प्यार हो गया और उन्होंने इंडियन रिचुअल्स के तहत अपनी शादी की। शादी के बाद सोफिया ने अपना इंडियन नेम चारुलता रखा। कुछ टाइम बीतने के बाद सोफिया को दोबारा लंदन जाना पड़ा। जब वह लंदन चली गई तो लंदन जाने के बाद अशोक हिंदुस्तान में ही था। वहां जाकर दोनों ने एक दूसरे को लव लेटर लिखना स्टार्ट किया। लव लेटर्स के कुछ दिनों बाद सोफिया ने लिखा कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, मैं तुम्हें एक एयर टिकट भेज रही हूँ और तुम कल ही लंदन आ जाओ। तो अशोक ने एयर टिकट लेने से मना कर दिया और बोला कि मैं अपने पैसों से खुद एयर टिकट खरीद कर लंदन आऊंगा। उस टाइम पैसों की बहुत ज्यादा कीमत थी, तो उसके पास पैसों की बहुत ज्यादा कमी थी। तो अशोक ने अपने सारे पेंटिंग, सारे ब्रशेज और जितना भी सामान था वो सब कुछ बेचकर उसने एक साइकिल खरीदी। साइकिल खरीदने के बाद उसने तय किया कि वह साइकिल पर लंदन जाएगा। 8 देशों की यात्रा करने के बाद 4 महीने 3 हफ्ते 18 दिन के बाद वह लंदन पहुंचा। लंदन पहुंचने के बाद वहां के इमिग्रेशन ऑफिसर ने उन्हें सलाम किया कि तुम इतनी दूर कैसे साइकिल पर आ सकते हो। बीच में उसे कुछ खाने को नहीं मिला। जब उसे खाना नहीं मिला, साइकिल भी टूटी, तो भी वह चलता रहा और अपनी पत्नी से मिलने वहां पहुंच गया। इतना ही नहीं, उसकी फैमिली ने भी उसे बहुत ज्यादा प्यार दिया और उसकी शादी दोबारा लंदन रिचुअल के हिसाब से की। तो लास्ट में दोस्तों, मैं आपको इस स्टोरी से ये बताना चाहती हूँ कि प्यार करो उतना कि दुनिया करना चाहे आपके जितना। जी हाँ दोस्तों, कि दुनिया को एक मिसाल दो कि दुनिया आपके जैसा प्यार अपने पार्टनर से करना चाहे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये लव स्टोरी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और ऐसी ही और लव स्टोरीज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।